नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर तनेमा सिंघल है। मैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन स्पेशलिस्ट हूँ मासी केयर क्लिनिक में, तथा मेरा 13 साल का अनुभव है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के 10 उपाय। पर पहला, बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाएं। आपका बच्चा स्तन को सही तरीके से मुंह में लेकर दूध पिए, इस तकनीक को लैचिंग कहा जाता है। लैचिंग में यह देखा जाता है कि बच्चा माँ के स्तन के एरियोला के निचले भाग को सही ढंग से मुंह में लिया हो, उसकी पोजीशन सही हो और दूध पीते समय बच्चा अच्छे से सांस ले। इस तरीके से जब बच्चे को दूध पिलाया जाएगा तब माँ के स्तन से दूध पूरी तरीके से निकलेगा और नया दूध बनेगा। लैचिंग सही ना लगे तो अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट से सलाह लेकर उसे जरूर ठीक करें। दूसरा, बच्चे को समय देखकर दूध ना पिलाएं। कभी भी बच्चे को समय देखकर दूध ना पिलाएं। जब भी आपको लगता है कि बच्चे को दूध की जरूरत है तो उसे जरूर पिलाएं। शाम के समय अगर बच्चा जल्दी जल्दी दूध मांगता है तो उसे पिलाएं। इसे क्लस्टर फीडिंग कहा जाता है, जो कि नॉर्मल है। यदि दिन में बच्चा लंबे समय तक सो रहा है तो उसे उठाकर जबरदस्ती दूध ना पिलाएं, बल्कि डिमांड फीडिंग पर रखें। और बच्चे को अगर डिमांड फीडिंग में रखें तो इन बातों का ध्यान रखें। पहला, उसका वजन सही तरीके से बढ़ रहा है तथा वो 24 घंटे में 8 से 10 बार दूध पी रहा हो। तीसरा, बच्चे को ऊपर का दूध ना पिलाएं। जब आप अपना ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, तो उस समय बच्चे को किसी भी तरीके का फॉर्मूला मिल्क, गाय या बकरी या भैंस, किसी भी तरीके का दूध ऊपर का ना पिलाएं। सिर्फ माँ को दूध बच्चे जब माँ का दूध बच्चे को मिलेगा तो माँ का दूध अच्छे से बढ़ेगा। चौथा, बच्चे को कोई भी ऊपर की चीज ना दे। बच्चे को किसी भी तरह की घुट्टी, ग्राइप वाटर, शहद जैसी चीजों का सेवन ना कराएं, इस सबसे बच्चे को नुकसान हो सकता है। पांचवा, कंगारू मदर केयर करें। माँ को बच्चे के साथ कंगारू मदर केयर करनी चाहिए। इस तरीके से देखभाल करने से माँ और बच्चे के बीच जुड़ाव अच्छा होता है और ऐसा करने से माँ का दूध अच्छी तरीके से निकलता है। छठा, खुश रहें। ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने का सबसे शानदार तरीका है माँ का खुश रहना। यदि माँ खुश रहती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है, जिससे माँ का दूध स्तन से अच्छी तरीके से निकलता है। सातवां, खूब पानी पिएं। ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में पानी बहुत मदद करता है। यदि आप ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, तो आपको कम से कम एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। ऐसा करने से माँ हमेशा हाइड्रेट रहती है और स्तन में दूध बनता है। आठवां, घरेलू उपाय अपनाते समय जरूर ले सलाह। ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए कुछ घरेलू अपना उपाय माए आजमाती हैं, लेकिन इनके बारे में अपने स्तनपान सलाहकार, जिनको लैक्टेशन कंसल्टेंट कहते हैं, से विचार विमर्श जरूर करें। यहाँ हम आपको 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। लैक्टोमैजिक पाउडर, मोरिंगा टैबलेट और मसाज करने के लिए ऑयल। इन 3 चीजों का डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए आप इन 3 चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं और अधिक जानकारी के लिए क्लिनिक के नंबर पर जानकारी ले सकती हैं। नवा, रात के समय बच्चे को दूध जरूर पिलाएं। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काउंसलिंग के दौरान कई माएं मुझे बताती हैं कि वो बच्चे को अच्छी नींद आए इसके लिए सोते समय फॉर्मूला मिल्क पिला देती हैं। रात में कभी भी बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पिलाकर मत सुलाएं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। रात में जब भी बच्चा दूध मांगे, उसे माँ अपना ही दूध पिलाए। ऐसा करने से माँ के शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि रात में अच्छे से बढ़ता है, इससे माँ का दूध बढ़ता है। इसलिए रात में बच्चे को अपना दूध ही पिलाएं। दसवां, तनाव से दूर रहें।
ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए माँ को तनाव मुक्त रहना जरूरी है, आराम करना जरूरी है। इसके साथ ही उसे अपने खान पान का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि उसके अंदर किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी ना हो, वो अपने बच्चे को आराम से दूध पिला सके। आशा है ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।